पांच से आठ बादाम, 10 किशमिश, 2 मुनक्के, 2 से 5 मुनक्के, 2 अंजीर और 4 खजूर। ये मेरा नियमित लगभग 2017 से और 2023 तक कंटिन्यू। इस डाइट से आपको एंटी एजिंग मिलती है, बॉडी अंदर से स्लिम होना शुरू हो जाती है। पहले अंदर से स्लिम होगी तब बाहर दिखेगी। लोग कहते हैं ना पेट कम हो जाए, पहले अंदर से सिकुड़ना शुरू होता है फिर बाहर कम होता है। इससे सिकुड़ता है उल्टा? सिकुड़ता का मतलब बॉडी सॉलिड हो जाती है। एंटी एजिंग जो हमारी प्रक्रिया है, जो बॉडी पुरानी होती जा रही है वो आपस में रिकवर करना शुरू करती है। फिर ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ 2 चम्मच ओट्स, ड्राई ओट्स आते हैं, उसमें डालता हूँ 1/2 कप दूध और हल्का सा 1 चम्मच शहद, उसको मिक्स किया और भून लिया। फिर सीधा मैं पहुँचता हूँ जिम, वर्कआउट किया 1 घंटे के आसपास वर्कआउट मॉर्निंग करता हूँ, फिर फ्रेश होके नहा धोके एग्जैक्ट 10:30 बजे अपने शोरूम पहुँच जाता हूँ। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरे शोरूम्स भी हैं मॉड्यूलर किचन के। शोरूम पहुँच के रूटीन वर्क करते हैं, मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। अच्छा, पूरे इंडिया में शोरूम है, उनके सूरत में भी शोरूम है और रिसेंट मैंने भी बागपत में नया शोरूम बनाया है। 48 शोरूम पूरे इंडिया और एक शोरूम लगभग 3,000 स्क्वायर फीट का कम से कम है, हाइएस्ट तो 5,500 स्क्वायर फीट का। तो उसके बाद में 10:30 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, 1.5 घंटे में सारी मॉनिटरिंग करके काम सबको व्यवस्थित करके एग्जैक्ट 12 से 12:30 के बीच में एक प्लेट आती है मेरी, जिसके अंदर फ्रूट्स होते हैं लगभग 200-250 ग्राम, पपीता, अमरूद, चुकंदर, गाजर, जो भी चल रहा होगा फ्रूट्स के साथ साथ वेजिटेबल, कभी फ्रूट कभी वेजिटेबल। अगर मैंने 12:30 खाना है तो मैं 1:30 बजे खाना खाऊंगा, 1 घंटे बाद मैं लंच लूँगा। लंच में लेता हूँ 1 बाउल दाल उबली हुई कोई सी भी, किसी दिन मूंग की, हफ्ते में 7 दिन में 4-5 बार रिपीट हो जाता है अलग अलग, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, ये रोज बदलती है। उसमें होता है सिर्फ 1 चम्मच देसी घी और जीरे का तड़का और हल्का सा काला नमक, मिर्च नहीं लेना है। साथ में एक सैलेड प्लेट जिसमें गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, जिस समय पर जो चल रहा हो फुल प्लेट से, ये मेरी डाइट है। फिर उसके बाद में अपना रूटीन वर्क करते हैं, पूरा बिजनेस किया, सेमिनार है, ऑनलाइन सेशन है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारी कंप्लीट होती हैं। 4 बजे एग्जैक्ट में लेता हूँ 1 ब्लैक कॉफी और साथ में 2 फाइबर बिस्किट किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद में 7 बजे जब मैं शोरूम से घर निकल रहा होता हूँ तो एक फ्रूट सैलेड डाइट आती है, अलग अलग क्रीम वाली बढ़िया आजकल मनी बनाई भी आती है, वो मंगाता हूँ, वो खाता हूँ। घर पहुँच के लेता हूँ 2 बाउल सूप और 1 प्लेट सैलेड, मैक्स टू मैक्स 9 बजे 9:30 बजे तक, और 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद में सो जाता हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। अब क्वेश्चन ये कि मीटिंग है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, तब कैसे करते हैं? मेरा एक स्पेशल किट है, हमेशा मेरे किट मैं कहीं भी, आप पूछ लो रास्ते में, जैसे 7 बजे थे तो मैंने एग्जैक्ट रेड लाइट पर ही बॉक्स खोला अपनी डाइट में, क्योंकि जीवन है तभी कुछ कर पाएंगे। चपाती वगैरह नहीं खाते? नहीं, चपाती ग्रेन्स मैंने लगभग काफी साल से छोड़े, 2017 में मैंने खाया था। चावल जब लेते हैं, जिस समय हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो कार्ब्स एनर्जी चाहिए होती है, जिस दिन लेग्स का वर्कआउट, क्योंकि सबसे मुश्किल वर्कआउट लेग्स का होता है, तो उस दिन राइस लेते हैं 1 बाउल, नहीं तो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन 1 बाउल राइस, चाहे दिवाली हो, होली हो, मेरी एनिवर्सरी हो। आज तक मैंने किसी स्वीट को खाया नहीं है, अभी ये प्रसाद लेके आए थे आप तो मैंने पता कैसे एक्सेप्ट किया, सम्मान से प्रसाद लिया, उसके ऊपर का काजू लिया, प्रसाद तो इतना भी उतना है जितना एक भंडार भर गया पूरा, प्रसाद तो वो चीज है, तो मैंने वो काजू का टुकड़ा कहा यार काजू बस इतना है, मैंने कहा प्रसाद है ग्रहण करना है, क्वांटिटी से मतलब नहीं, ऐसे तो पूरा आधा किलो खा लेंगे तो भी पेट नहीं भरेगा।